किसानों की उपज पर लगाए गए किसान कल्याण कोष को पूरी तरीके से हटाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। नागौर के बेड़ता सिटी कृषि मंडी के व्यापारियों ने एसडीएम केआर चौहान को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और कृषि जिंसों पर लगाए गए किसान कल्याण कर को पूरी तरीके से हटाने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि हाल ही में सरकार की ओर से मंडी के बाहर कोई भी पैन कार्ड धारी व्यक्ति किसानों के माल को खरीद और बेच सकता है, उसे वापस लेने की मांग की। साथ ही में व्यापार मंडल अध्यक्ष हस्तिमल ने बताया कि अगर किसान अपनी उपज को स्थानीय मंडी में ना बेचकर प्रदेश के भारी मंडियों में बेचेंगे तो इससे ना केवल व्यापारियों को नुकसान होगा बल्कि राज्य सरकार को भी नुकसान भुगतना होगा। सरकार की यह मंशा है कि सन 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करनी है, उसी के अंतर्गत उन्होंने एक अध्यादेश पास किया है जिसमें एपीएमसी या कृषि मंडी प्रांगण के बाहर जो भी व्यापार करेगा और वो व्यापार जिसके पास पैन कार्ड है वो भी माल खरीद सकता है, बेच सकता है। तो मंडी के बाहर जो माल लेता है उस पर न मंडी सेस, न किसान कल्याण कोष, न अन्य कोई भी कोष कोई सेस लगेगा, वो उससे मुक्त होगा। तो इस स्थिति में अगर मंडी में खर्चा ज़्यादा है, जैसे वहाँ एक साथ मंडी है, एक सेस है, दामी है, तो अगर वो 5-4% का खर्चा हुआ तो मंडी में किसान माल नहीं ला के बाहर बेचेगा और दूसरे राज्यों को ले जाएगा, तो दूसरे राज्यों में ले जाने में तो राज्य को बहुत नुकसान है जीएसटी, मंडी शुल्क, किसान सेस का। तो हमारा राज्य सरकार से ये निवेदन है कि मंडी फीस को कम करें,